मैं एक औरत हूँ, मैं जैसी भी हूँ एक औरत हूँ। जब रात में मैं निकलूँ सड़क पर तो दुनिया के लिए आवारा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ तो खुशहाल हूँ, फिर चाहे जेल में ही कैद क्यों ना हूँ। मैं तलाकशुदा हूँ तो बोझ हूँ। कोई मुझे तंग करे तो मैं खामोश रहूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैं हर दफ़ा कुर्बानी मैं दूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैं हर बार काम करने से पहले पीछे हट जाऊँ, क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। बहुत हो गया ये खामोशी का खेल, अब मैं बोलूँगी, क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। दरिंदे अब मुझसे डरेंगे, क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, और मैं आरती फिर से आप सभी के सामने अपनी वीडियो लेके आ गई हूँ। बहुत टाइम हो गया है मैं अपने व्लॉग्स लेके नहीं आ पा रही थी, अपना डेली रूटीन, अपना स्टडी व्लॉग्स वगैरह लेके नहीं आ पा रही थी। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे शुभचिंतक जो हैं वो बार बार हर वीडियो जो भी मैं पोस्ट कर रही थी, वैसे बहुत कम पोस्ट कर रही थी, शॉर्ट्स वगैरह ही कभी कभार पोस्ट कर रही थी, तो उसी में पूछ रहे थे कि आपके स्टडी व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपका स्टडी व्लॉग कब आएगा, आप प्लीज़ स्टडी व्लॉग्स डालिए या व्लॉग्स डालिए जिससे हम मोटिवेट हो सकें। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे देखते हैं और मेरी वीडियोस लगातार रोज़ देखते थे, तो वो यही चाहते थे कि क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको टेंशन थी, चिंता थी मेरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक औरत की ज़िंदगी में कोई तो है जो उसे पूछता है कि अगर उसे कोई परेशानी है, अगर वो दुखी है या कोई भी ऐसी चीज़ जिस वजह से वो कोई काम जो वो लगातार कर रही थी वो नहीं कर पा रही है, तो एटलीस्ट कोई तो है जो पूछने वाला है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सबके क्वेश्चंस देख के, आप सब ने जो कंसर्न दिखाया है कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों पोस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितना आपने सिलेबस कर लिया है, ये सब देख के। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में इन दिनों चली कि मैं कुछ बता भी सकती हूँ और कुछ नहीं भी बता सकती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो उसी वजह से स्टडी व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं इस दौरान पढ़ ही नहीं पाई, और जब मैं पढ़ ही नहीं पाई तो मैं आपको क्या दिखाऊँ। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं आपके साथ जो भी रियल होता है वही शेयर करती हूँ, जो चीज़ बनावटी मैं नहीं शेयर करती हूँ। अगर मैंने पढ़ाई की ही नहीं तो मैं क्या शेयर करती आपके साथ, क्योंकि मैं आपके साथ यही शेयर करती थी मैं क्या पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ, कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ, और किस तरीके से मैं घर के कामकाज मैनेज करते हुए, दो छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए भी अपनी स्टडीज़ मैनेज कर रही हूँ। तो तब मैं जाके किस किस तरीके से कितने कितने घंटे पढ़ रही हूँ, और क्या मेरा स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, UKLT और DSSB, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखना है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती थी। लेकिन इन दिनों कहिए कि या तो किस्मत ख़राब है या फिर टाइम शायद मेरा ख़राब चल रहा है, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, मैं इतना परेशान रही फिज़िकली भी मेंटली भी, ये चीज़ों ने मुझे इतना परेशान कर लिया कि मैं पढ़ ही नहीं पाई। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं मायके गई थी और अपने बेटे को फर्स्ट टाइम लेके गई थी, तो वहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है यहाँ पढ़ने के लिए। स्टार्टिंग के 2-4 दिन मुझे बहुत अच्छा टाइम वहाँ पढ़ने के लिए मिला, उसके बाद क्योंकि मेरे दादाजी काफ़ी एजेड 85+ थे, तो मेरे दादाजी की एज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो काफ़ी बीमार रहने लगे, और इसी जल्दबाजी में हम गए भी थे, क्योंकि अगर मेरे दादाजी कुछ हो जाता है तो फिर हम एक साल के लिए नहीं जा सकते थे। हमारे यहाँ दिन निकाल के ही फर्स्ट टाइम छोटे बेबी को ले जाते हैं, और ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो फिर एक साल के लिए नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए जल्दबाजी में हम गए थे। तो दादाजी उन दिनों काफ़ी बीमार रहने लगे, तो मम्मी दादाजी के ही पीछे रहने लगी, तो मुझे पढ़ाई का भी कोई टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि वही चीज़ हो गई थी, फिर मैं उसी तरीके से हो गई थी कि बच्चों के साथ मुझे ही टाइम देखना पड़ रहा था। क्योंकि अगर मम्मी
फ्री रहती थी तो बच्चों को देख लेती थी, लेकिन मम्मी उस टाइम पे इतना बिज़ी हो गई, उस टाइम पे इतने आने जाने वाले लोग, क्योंकि दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मैं अपने दादाजी के साथ बहुत कनेक्टेड थी और बचपन मैंने बहुत सारी यादें मेरी दादाजी के साथ जुड़ी हुई हैं, बचपन मैंने उनके साथ गुजारा है। 11th 12th में भी मैं उन्हीं के साथ रही थी, मैंने KVIDPL ऋषिकेश से अपनी 11th 12th की थी, तो मैं ऋषिकेश में उन्हीं के साथ रहती थी और उससे पहले भी 6th क्लास तक मैं उन्हीं के साथ थी बचपन में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके साथ मेरी जुड़ी हुई हैं, उनको इस हालत में देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और साथ ही मेरे ऊपर पढ़ाई का बर्डन और साथ ही बच्चों का बर्डन, तो मतलब ये लगा लीजिए, और काफ़ी और भी कुछ बहुत सारी टेंशन्स थी। सपोर्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से सपोर्ट छिन गया है, सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ स्टडीज़। और उसी दौरान साथ ही मेरी फ़िज़िकल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि एटलीस्ट मतलब आखिर हो क्या रहा है। इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी कि गर्मी से कई बार मेरा BP डाउन हो जाता था, और कई बार मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस, मेरे पेट में दर्द, मैंने उसके लिए काफ़ी लिवर टेस्ट वगैरह भी कराए और उसके साथ अल्ट्रासाउंड्स भी कराए, तो ऐसा कुछ निकल के नहीं आया सामने कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं जूझ रही थी, ऊपर से माइंड में टेंशन अलग कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मुझे उनके लिए प्रिपेयर करना है, साथ ही 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको भी संभालना है। तो बहुत फ्रस्ट्रेट मैं उस टाइम पर हो गई थी, मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे यही सलाह दी कि बेटा, जब ऐसा लगे कि कोई काम नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से आपका जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी ख़राब होने लगे, तो उस चीज़ को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं देंगे, अगर आप फिज़िकली ही वीक हो जाएंगे और आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो ना ही आप बच्चे संभाल पाएंगे, और अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा करने के लिए। तो फिर मैं अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने लगी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी आपके साथ। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको ये चीज़ें और इंक्रीज़ होगी, बहुत बढ़ जाएगी, और प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको काफ़ी इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और आपको तो पता ही है, जब एग्ज़ाम्स का बर्डन होता है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, और एग्ज़ाम का सिर्फ स्ट्रेस नहीं, क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना होता है, बच्चों के साथ साथ मुझे टाइम मैनेज करना होता है, तो पूरे दिन भर उसी के बारे में मैं सोचती रहती हूँ, उसी के बारे में सोचना पड़ता है। तो डॉक्टर ने ये भी कहा कि स्ट्रेस की वजह से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो सबसे पहले आप इनको शॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद कुछ और सोचिएगा। तो आजकल मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़िज़िकल कंडीशन, फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। हम जो औरतें होती हैं ना, वो अक्सर सबको देखते देखते अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, बल्कि मेरा जो खाना पीना था वो बहुत अच्छा था, मैं अपने ऊपर काफ़ी ध्यान भी देती थी, लेकिन जो होता है ना कि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होने के कारण जो भी मैं खाती थी वो मेरे शरीर में नहीं लग रहा था, उस कारण मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो अभी मुझे यही समझ नहीं आ रहा था तो मैं क्या करूं, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल ब्रेक लिया है स्टडीज़ से, मैं अपने फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ही अभी फोकस रखा है। पता नहीं, मतलब मैं इससे काफ़ी डिस्टर्ब भी हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है काफ़ी लोग ये भी बोलें कि मतलब आप तो सबको मोटिवेट करते रहते थे और आप खुद ही इसी तरीके से ब्रेक लेके बैठ गए हो, लेकिन जिस पे बीतती है ना, तो वही समझता है कि इतना सब कुछ मैनेज करने के बावजूद, घर संभालना, बच्चे संभालना, काम काज, पूरी फैमिली को संभालना, और फिर टाइम निकालना पढ़ाई के लिए, और उसमें अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो आप कैसा महसूस करते हो। तो और कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, चाह के भी कोई सपोर्ट ना कर पाए आपको, तो ऐसे में आप कैसा महसूस करोगे। और उसी दौरान मेरे दादाजी भी एक्सपायर हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें इतनी बेकार हो गई थी, मैं क्या कहूँ। फ़िलहाल मैं अभी ब्रेक में ही हूँ, और लेकिन मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो मुझसे मोटिवेट होकर जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, कोशिश आप हमेशा जारी रखिए। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाना एक सॉल्यूशन नहीं है, आप इंडिपेंडेंट किसी भी तरीके से बन सकते हैं। तो आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को देखते हुए आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपनी प्रोग्रेस बढ़ानी है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसको आप कभी भी मत भूलिएगा।
मैंने भी ये नहीं कि ब्रेक लिया है इसका मतलब ये है कि मैं अपने सपनों को भूल गई हूँ। मेरे सपने हमेशा मेरे माइंड में रहेंगे, मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में, चाहे कैसे भी करूँ तो वो मैं ज़रूर करूँगी। बस आपके लिए ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को भी पता चले कि एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल है और यूँ ही नहीं वो अपने सपने छोड़ देती है, और अगर उनको लोग सपोर्ट करेंगे तो वो भी अपने सपनों को हासिल कर पाएगी। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी जिससे आप मोटिवेट रहें और पढ़ाई कर